नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को तगड़ा झटका लगा है और मुख्तार अंसारी गिरोह के शूटर और 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज मैं बताने वाला हूं कि आखिरकार वो कितना खूंखार है जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था और मुख्तार अंसारी के गिरोह का शूटर बताया जाता है। जी, बात करें तो बाहुबली मुख्तार अंसारी गिरोह के नजदीकी व मन्ना सिंह हत्याकांड में गवाह राम सिंह मौर्य व गनर की हत्या के मामले में सह अभियुक्त के साथ गैंगस्टर एक में फरार चल रहे 25,000 के इनामी शूटर को पुलिस ने दक्षिण ठोला के मतलूपुर मोड़ से गुरुवार की रात 10 बजे गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक अवैध पिस्टल व 32 बोर की कारतूस भी बरामद की गई है। एसओजी सर्विलांस व दक्षिण टोला पुलिस शुक्रवार की रात 10 बजे करीब मतलूपुर मोड़ के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुख्तार अंसारी IS-191 गैंग के सरगना गिरोह का नजदीकी शूटर राम दुलारे उर्फ दुलारे को गिरफ्तार कर लिया। वह चंदौली जनपद के चकलडीहा का निवासी है। चर्चित मन्ना सिंह हत्याकांड में गवाह रानीपुर थाना के फतेहपुर निवासी राम सिंह मौर्य और उनके गनर सतीश कुमार की वर्ष 2010 में हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी सहित उनके अन्य गुर्गों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस मामले में राम दुलारे अभियुक्त था। इसके बाद मुख्तार अंसारी सहित गिरोह के सदस्य राम दुलारे सहित अन्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा गई थी। वर्ष 2010 से ही वांछित मतदाता फरार चल रहा था। इसके विरुद्ध पूर्व में 25,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। इसके ऊपर दक्षिण टोला में 3 व चंदौली जनपद में हत्या, एनपीडीएस एक्ट, गौथ सहित कई मामले में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज था। एसएसपी महेश सिंह अनि ने गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसओजी प्रभारी अमित मिश्रा, चौकी प्रभारी बेलवाघाट आनंद सिंह चौहान, दक्षिण टोला थाने के रेड कांस्टेबल विनोद यादव, बबन सिंह चौहान, अनिरुद्ध सिंह और अविनाश धर दुबे, ब्रजेश मौर्य आदि शामिल थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 साल से फरार चल रहा था ये व्यक्ति कितना खूंखार हो सकता है और इसकी अब फाइनली जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तारी कर लिया है। बाकी इसको लेकर अपनी राय बताइए। ठीक है, धन्यवाद।